प्रणय और सुंदर साहब जी, खिलवत की वाणी हमें यह दर्शाती है कि हमारा मूल घर वह कहाँ है जहाँ हम अपने प्राणेश्वर के साथ अनंत आनंद में अनादिकाल से डूबे रहे हैं और जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार की वास्तविकता क्या है। सामान्य रूप से देखा जाए तो एक सामान्य प्राणी इस संसार को ही सब कुछ माने बैठा है, इस संसार से परे की कल्पना नहीं करता। जो बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं वेद शास्त्रों के, वे भी यही मानते हैं कि इस स्वप्नमय जगत में सूक्ष्म रूप से परमात्मा विराजमान है और उसका धाम भी इसी के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है। परम धाम अवस्था विशेष है, स्थान विशेष नहीं है। संसार के लगभग अधिकतर क्या 99% वेद शास्त्रों के विद्वान यही मानते हैं, जबकि वेदों में कहा है आदित्य वर्ण तमसा परस्ता, तमस के पार है, किंतु ये तमस के अंदर ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अड़ो अड़ियान महतो मयान कह करके उस परमात्मा और उसके धाम को मानने के लिए भी बसे। तारतम वाणी कहती है जो रब्द किया इत बैठ के अजू बैठे हो ठोरीन। प्राणधर सुंदर साज, यदि अपनी अंतर्दृष्टि को खोल कर देखें तो आपको क्या लगेगा कि जिस परम धाम में हमने धाम धनी के साथ ये बहस की थी कि हमारा प्रेम बड़ा है, आपकी माया मेरा क्या कर लेगी, हमारा क्या कर लेगी, उस माया के संसार में हमारी अंतर्दृष्टि केवल आई है आत्मा के रूप में और जी के ऊपर बैठकर इस खेल को देख रही है। किंतु यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर देखते हैं तो यही लगता है कि अजू बैठे हुए ठोर इन, हम परम धाम में ही बैठे हैं। परम धाम में हम तन से बैठे हैं, सुरता से इस खेल में आए हैं, किंतु स्थिति क्या है, रात दिन ना पल घड़ी सोई बात सोई खिन। सच तो यह है कि अभी एक क्षण भी नहीं बीता और इस एक क्षण के अंदर ब्रज का ब्रह्मांड भी बीत गया, रास का भी ब्रह्मांड बीत गया और जागने का ब्रह्मांड भी अपने अंतिम चरण में है। किंतु हमें क्या लगता है, जैसे स्वप्न देखने के पश्चात हमारे मन में द्वंद उठते हैं, पता नहीं यह स्वप्न कैसा है, क्यों देखा, इसका परिणाम क्या होगा, उसी तरह से हमको ये भी पता नहीं कि सचमुच हम परम धाम के हैं। क्या ब्रज में हमारी आत्मा आई थी, रास में थी, इस जागने के ब्रह्मांड में हम सचमुच में परम धाम के ब्रह्मणि के रूप में आए हैं या नहीं, या माया के जीव ही हैं, यह संशय बना रहता है। यदि वाणी का प्रकाश हमारे अंदर आता भी है तो भी जब तक हम अपनी परात्म को देख नहीं लेते, राज्य का अनुभव कुछ नहीं होता, परम धाम की झलक नहीं मिलती, हमें पूर्ण विश्वास आने में कठिनाई होती है। हमारे तन वहीं बैठे हैं और राज्य से दृष्टि मिली है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखें तो खुली हैं लेकिन हमारी नज़रों में संसार दिख रहा है। और ये संसार क्या है, मन का ही तो खेल है। ये मन हमारे जीव को न जाने कितने लाखों जन्मों से भटकाता आ रहा है। अब देखिए मन ऐसा है, कितना सूक्ष्म, दुनिया की कोई भी सूक्ष्मदर्शी इसका चित्र नहीं ले सकती, न मन का, न चित्त का, न बुद्धि का, न अहंकार। समाधि अवस्था में ही केवल मन को देखा जा सकता है। श्री महामत मन को सोई देखे जिन्हें दृष्टे खुद खसम, जिन्हें राज्य की पहचान होती है केवल वही मन की पहचान कर पाते हैं, अन्यथा मन के अधीन ही सारा जगत है। आप देखेंगे बड़े से बड़े विद्वान, चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े महापुरुष इस मन के ही खेल में तो फंसे पड़े। बुद्ध समाधि
के लिए जब सन्नत होते हैं उनके सामने मार आता है। मार का तात्पर्य क्या है? मन का स्वरूप। ये मन जिसने सबको नचा रखा है, मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। सुख शांति और प्रेम का अनंत सागर कौन है, अनंत स्रोत कौन है? एकमात्र अक्षरातीत। लेकिन अक्षरातीत के बारे में तो दुनिया जानती ही नहीं। परमात्मा नाम सुना है और परमात्मा के नाम पर तरह तरह की कल्पनाओं में संसार भटका पड़ा है। कोई नहीं जानता वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। हंसी तो तब आती है जब परमात्मा के नाम पर जड़ पदार्थों की पूजा शुरू हो जाती है। आप देखिए, किसी की दृष्टि में शालिग्राम ही सच्चिदानंद परब्रह्म है, किसी की नज़र में शिवलिंग ही सच्चिदानंद परब्रह्म है, कोई वृक्ष को, कोई किसी को। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, एक बार मैं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर गया था जो पन्ना जी से लगभग 20-22 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। वहाँ 108 मंदिर छोटे छोटे बनाए थे, गुमटियाँ बनी थी, उसमें पत्थरों के टुकड़ों को रख दिया गया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या ये पत्थर के टुकड़े ही परमात्मा है? हिंदू समाज को कौन समझाएगा कि भाई तुम सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म की खोज अपने वेदों से करो, शास्त्रों से करो, एक लोक रीति की जो परंपरा चलाई है उसमें क्यों भटक रहे हो? यह आत्मअंतिष्ठ तंत्रो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है उसको कोई नहीं खोजना चाहता। अपनी अंतरात्मा में उस परमात्मा को खोजने के लिए संसार तैयार नहीं है। शिवलिंग जो मानव की कल्पना मात्र है, जिन लोगों ने शिवलिंग को साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा माना, सोमनाथ में क्या था? उस शिवलिंग को ही तो हीरे मोतियों से जड़ा गया था। सोने के थंबे थे सोमनाथ के मंदिर में, लेकिन सोमनाथ एक आततायी महमूद गजनवी से अपनी रक्षा नहीं कर सके। जो सारे सृष्टि का रक्षक है, सारे जगत का निर्माता है, उसको उसमें यदि उस सोने के शिवलिंग में जो हीरे मोतियों से जड़ा था कोई शक्ति होती तो क्या महमूद गजनवी से अपनी रक्षा नहीं कर लेता? लेकिन वहाँ पूजा करने वाले 1000 पंडों को कौन बताए कि तुम गीता को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वेद को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा कहाँ है। जिसके जिस पुरुष सूक्त का पाठ करके वो शिवलिंग का पूजन करते थे उस समय, उनको ये पता नहीं कि उस मंत्र को तो पढ़ लेते कि आदित्य वर्ण है तमसा परस्तात। लेकिन समझने के लिए तो विवेक चाहिए, और जब जल पूजा का प्रारंभ हो जाता है तो विवेक कहाँ से है? आप सोचिए, हिंदू समाज स्थूल जगत में भटकता फिरा, उसने वेद के, उपनिषद के, दर्शन के सबके कथनों को अमान्य कर दिया, ऋषियों के कथनों को अमान्य कर दिया, योगेश्वर श्रीकृष्ण के कथन को नहीं माना। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा, क्या कहा है? न तत्र भास्ते सूर्य, न शशांको, न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम। जहाँ सूर्य नहीं चमकता है, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, मेरा वो परम धाम है। यद गत्वा, जिसको प्राप्त होने के बाद पुनः जन्म मरण में लौटना नहीं होता। और हम तो शालिग्राम, शिवलिंग और पत्थरों में भटक रहे हैं, वृक्षों की पूजा में भटक रहे हैं। आप सोचिए, मैं वही प्रसंग कर रहा था, मन की बात। यह मन कितना सूक्ष्म है। जीव इसी मन के द्वारा संसार का रसपान करता है, विशेष सुख का। मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सुख लेता है, और उस सुख की अनुभूति जीव को होती है मन के माध्यम से। लेकिन जब तक जीव के ऊपर अज्ञानता का आवरण पड़ा है, तब तक वह मन के माध्यम से विषयों के सुख को ही सर्वोपरि मानता है। यदि उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाए, उसकी बुद्धि में, उसके चित्त के संस्कार, जो बुरे संस्कार हैं, दग्ध होने लगे, अच्छे संस्कार उभरने लगे, तो उसको लगता है
कि नहीं, सत्य कुछ और है। संसार के विषयों में कोई सुख नहीं है, सुंदर सौंदर्य के दर्शन में, स्वादिष्ट पदार्थों के सेवन में, सुगंध में, मधुर ध्वनियों में, कोमल स्पर्श में, वह सुख नहीं। जो सुख सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद पर ब्रह्म के दर्शन में है, उनसे वार्ता में है, उनको अपने धाम हृदय में बैठ विराजमान करने में है। और यह तो होगा ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, अन्यथा इसके पहले क्या है, यह स्वप्नमयी जगत है। स्वप्न किसको कहते हैं, जो अज्ञानता की निद्रा में प्रतीत हो रहा हो, जो हो नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा हो। रात्रि को हम सो जाते हैं, सोते समय हमारी अज्ञान दशा होती है, हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जागृत में जो संस्कार होते हैं, जब उन संस्कारों का चित्र उभरने लगता है, तो सोते समय भी हमारा मन उनको दृष्टा होकर के देखने लगता है। जो जागृत में देख रहा था वो स्वप्न में देखने लगता है, निद्रा में देखने लगता है, उसी को तो स्वप्न कहते हैं। और यह जगत भी स्वप्नमयी कहा गया है। स्वप्नमयी कहने का तात्पर्य क्या है, ये जगत मोहमयी है। मोह किसको कहते हैं, अज्ञान को। जगत महात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजकम, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ यह जगत मोहमयी है, अज्ञानमयी है। और इस मोहमयी जगत में हमें सत्य क्या लग रहा है, देखने में तो हिमालय सत्य है, सूर्य सत्य है, हमारा शरीर सत्य है, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि एक ऐसा समय था जब हिमालय नहीं था, ये जगत नहीं था, ये बड़ी बड़ी गैलेक्सियां नहीं थी, करोड़ों पृथ्वियों को समेटे हुए हमारी जो गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी से भी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, आकाशगंगाएं इस सृष्टि के अंदर हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं था। तब क्या था, महाशून्य, डार्क मैटर। वैज्ञानिक इसको डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर का तात्पर्य एक अंधेरा काला द्रव्य। ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिक मान्यताएं हैं कि एक ब्लैक होल न जाने कितने सूर्यों को निकल लेता है। वो ब्लैक होल क्या है, वही डार्क मैटर का तो एक छोटा रूप है, जिसमें हमारा सूर्य विलीन हो जाएगा, हमारी पृथ्वी सूर्य में विलीन हो सकती है, सूर्य उस ब्लैक होल में विलीन हो जाएगा, ब्लैक होल आकाशगंगा में विलीन हो जाएगा, हमारी आकाशगंगा सुपर गैलेक्सी में विलीन हो जाएगी, और ये सुपर गैलेक्सी जितनी है सभी उस महाशून्य में विलीन हो जाएंगी। वो महाशून्य क्या है, प्रकृति का सूक्ष्म रूप, जिसमें न रूप है, न शब्द है, न स्पर्श है, जो कुछ नहीं था उससे तो सब कुछ बना है। महाशून्य में शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं। और जब ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि होती है तो चारों तरफ नदियां दिखती हैं, पर्वत दिखते हैं, सूर्य चंद्रमा सितारे दिखते हैं, प्राणी दिखते हैं। और जब मनुष्य अपने चारों ओर इस जगत को देखता है तो इन्हीं को सब कुछ माने बैठा है। एक सामान्य व्यक्ति को देखिए, सामान्य कहने से आशय क्या है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश न हुआ हो, उसने यही समझा है कि भरण पोषण करना है शरीर का, निद्रा लेनी है, शरीर को स्वस्थ बनाना है। एक बचपन से बालक बड़ा होता है, युवा होता है, फिर अधेड़ा अवस्था में आकर वयोवृद्ध होता है, इस शरीर को छोड़ देता है। हर योनि की यही कहानी है। किंतु क्या उसके अंदर ये विवेक आता है कि मैं जिस सुख का रसपान कर रहा हूँ इसका सार तो क्या है। भर्तृहरि ने बार बार कहा, सावचेत किया है कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग डाला। तृष्णा हमारी बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। करोड़ों जन्मों से तृष्णा हमारा पीछा कर रही है। हम जिस योनि में जाते हैं, तृष्णा ऐसी पिशाचनी है जो हमारे पीछे लग जाती है। तृष्णा का तात्पर्य क्या है, विषयों के सुख की इच्छा। और यह इच्छा क्यों होती है, अज्ञान दशा में। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो जैसे महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में कहा है कि अहि निवलनीवत, जैसे सर्प केचुली को छोड़ने के पश्चात ही सुखी होता है, वैसे ही जब तक विषय के सुख का त्याग नहीं किया जाए तब तक तो कोई सुख की आशा नहीं की जा सकती। किंतु एक अज्ञान में डूबा हुआ प्राणी विषयों के सुख को ही सर्वोपरि मानता है। आप देखिए संसार में बड़े बड़े युद्ध होते हैं, क्यों, मनुष्य कितनी क्रूरता लिए रहता है धन के लिए। इतिहास जानता है, एक तख्त ताऊस को पाने के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों को कत्ल किया, अपने पिता को मरवाया,
बिसेले तेल से मालिश करवा कर तड़पा तड़पा कर मारा। केवल औरंगजेब की ही तो कहानी नहीं है, संसार में न जाने कितने प्राणी हैं जो धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, विशेष सुख के लिए हर अपने संगे संबंधी की हत्या कर देते हैं। बुरा से बुरा करने में आज का मनुष्य स्वयं को नहीं सोचता कि मैं कर क्या रहा हूं और इसका परिणाम क्या होगा। आज भी देख रहे हैं कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन जिन्हें कालाबाजारी करके धन कमाना है वो सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। वो मनुष्य की लाश पर भी उनके आंसू नहीं आते कि हमारी तरह ये भी तो एक प्राणी है, इसका भी परिवार है। उसके मृतक शरीर पर दया नहीं करते, कोई औषधि के माध्यम से लूट रहा है, कोई दाह संस्कार के माध्यम से, कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर के माध्यम से। मनुष्य को क्या चाहिए? धन, और धन से क्या इकट्ठा करेगा? सुख के संसाधन। पूछा जाए अंत में क्या होगा? तुमने धन से अच्छे भवन बनाए, अच्छे वाहन खरीदे, अच्छे वस्त्र खरीदे, अच्छे हीरे मोती के आभूषण खरीदे और अच्छे भोजन खरीदे, लेकिन अच्छे व्यंजनों को खाकर तुम्हें क्या शाश्वत शांति मिलेगी? हीरे मोतियों के आभूषणों से लदकर क्या तुम्हें परम शांति मिलेगी? या स्वर्ण के भवन भी तुमने बनवा लिए अपने, तो उसमें तुम्हें मिलना क्या है यह कोई सोच नहीं रहा है। मनुष्य की उम्र बीती जा रही है, हर पल बीता जा रहा है। लोकेश्वरा, वित्तेश्वरा और दारेश्वरा, इन्हीं में तो मनुष्य का जीवन खप जा रहा है। मेरी संसार में अधिक से अधिक प्रतिष्ठा हो। परमार्थ के लिए गुप्त रूप से कोई धन का दान नहीं देगा, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए देगा। प्रतिष्ठा ही उसके लिए सब कुछ है। पड़ोस में किसी का देह त्याग हो कोई पीड़ा नहीं है। अपने संगे संबंधियों का बाल भी टूट जाए तो सहन नहीं होता, क्योंकि हमारा मोह किससे है? कुछ सीमित जगत से है। मित्र से चक्षा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, संसार के सभी प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम तो देखते हैं कि ये कुल खानदान हमारा है, हमारा ये परिवार है। हमारी सोच एक सीमित दायरा लेकर के चलती है, और इसीलिए तो ऐसे प्राणी सामान्य व्यक्ति कहे जाते हैं। महामानव कौन होता है जो संसार के सारे प्राणियों को एक आत्मवत दृश्य देखता है? आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यत सह पंडिता, सभी प्राणियों में एक चेतना को जो देख रहा है और उसको लगता है कि सभी प्राणियों में जो चेतना है उसी सच्चिदानंद परमात्मा के सतंग अक्षर ब्रह्म की जो सृष्टि है उसी नारायण की चेतना का प्रतिभास ही तो सभी प्राणियों के अंदर है। सभी प्राणियों में एक चेतन तत्व को देखना ही महानता है। और अपने को एक कुल परिवार या वर्ग विशेष, पंथ विशेष में सीमित कर लेना और से संसार से आंखें मूंद लेना, ये संकीर्णता है। जब तक हम संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, जैसे कि वेद ने उपदेश दिया है, आत्मोत सर्वभूतेश सर्वान भूतानि समीक्षे, सभी प्राणियों को अपने समान ही हम देखें, तत्र काम हुआ का शोका यो एकत्व अनुपस्थित, जो समय एकत्व देखता है। एकत्व का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो वही है जो मेरे अंदर है। जब ये भावना हो जाए तो समझ लीजिए हम सत्य की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन एक तृष्णा का मोहजाल जो हमें स्वप्न में संसार में भटकाए हुए है। बहुत से विवेकवान पुरुष धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, ध्यान साधना के द्वारा इस सत्य को जान तो जाते हैं, लेकिन निराकार से परे बेहद क्या है, बेहद से परे अक्षर क्या है, अक्षर से परे अक्षर अतीत क्या है, यह ज्ञान तो तारतम वाणी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और हमें राज जी ने यह खेल दिखाया है, या ही अजमाई स्वास्थ्य खेल दिखाया है। यह खेल है। खेल का तात्पर्य क्या होता है? स्वप्न में ही जगत, झूठा खेल। खेल इसको इसलिए कहा गया है कि संसार के सभी प्राणी शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद के लिए भाग रहे हैं। कहां? जो दिख रहा है उसमें। जो इस खेल का दृष्टा है वो तो कहीं और बैठा है।
हमारे सामने विषय के सुख दिख रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। हम शाश्वत प्रेम खोजते हैं परिवार के संबंधों में, पत्नी में खोजते हैं, पति में खोजते हैं, बच्चों में करते हैं, मित्रों में खोजते हैं, प्रेम नहीं मिलता, अंत में ठुकराहट मिल जाती है। और जब हमें पछतावा होता है तब तक हमारी वृद्धावस्था नज़दीक आ चुकी होती है, विवेक नहीं होता कि हम जिन सुखों को पाने के लिए भागते रहे हैं, जिस प्रेम शांति और आनंद के पीछे भागते रहे हैं, संसार से तुम्हें धोखा मिला, यह संसार तो वास्तव में सच नहीं था। इतना हमने प्रयास यदि सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए किया होता तो शायद हमें शाश्वत प्रेम का सागर, शाश्वत शांति और आनंद का सागर मिल गया होता। लेकिन संसार के लिए यह बहुत कठिन है। संसार सोचता है कि जो दिख रहा है वही तो सच है। मैं कहता हूं सूर्य दिख रहा है यह सच है, किंतु परमार्थिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है। एक दिन ऐसा आएगा न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, न पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी पर ये बड़े बड़े पर्वत, नदियां, कुछ नहीं रहेंगे। हमारा शरीर भी तो कुछ समय के लिए है। हम शरीर पर ही आ जाएं तो सारा ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। और जब तक हम इस शरीर की दृष्टि से परे नहीं होते, हाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर से ही हमें परम धाम का दर्शन होगा, इस शरीर से ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इस दृष्टि से शरीर को स्वस्थ बनाना तो ठीक है, लेकिन शरीर का मोह रखना ठीक नहीं है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, राजकुमार सिद्धार्थ साधना में बैठे हैं, उनके शरीर में मैल जम जाती है, लगता है उन्हें मैल दिख ही नहीं रही है, लग रहा है कि मैल शरीर से झड़ रही है। चिथड़े पहनते हैं क्योंकि 6 वर्ष हो गए हैं, कहां से कपड़े लाए। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक मृतक का दाह संस्कार करके लोग जब चले गए तो उन्होंने उस मृतक के कपड़े को पहना, शरीर नग्न हो चुका था, कपड़े जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, और तब भिक्षा मांग करके लाए शरीर को जीवित रखने के लिए। आप सोचिए, एक राजकुमार जो एक महल में रहने वाला है, भूख प्यास से परे होकर के वो सत्य की खोज में है। कभी उसने यह नहीं जाना कि भूख प्यास का कष्ट क्या होता है महल में रहने पर। कभी उसने सर्दी और गर्मी को नहीं सहन किया था, लेकिन आज वो वृक्ष के नीचे बैठता है, तपती दोपहर को झेलता है, कड़कड़ाती ठंड को झेलता है, अन्न के एक दाने पर निर्वाह करता है, शरीर जर्जर हो गया है, हड्डियों का ढांचा है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानना चाहता है। शरीर को साधन बनाकर वो साधना कर रहा है, लेकिन शरीर से उसका मोह नहीं है। उसको ये नहीं लग रहा है कि मेरा शरीर काला हो गया है, मेरे शरीर में मिट्टी जमने जैसी हो गई है, क्योंकि वो अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर परम सत्य को देखना चाहता है, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ जैसे कितने व्यक्ति होंगे संसार में जो सत्य को देखना चाहते हैं? उनका तो सारा चिंतन बाह्य जगत पर है, बाह्य जगत जो परिवर्तनशील है। हमारा शरीर बचपन में कुछ और दिखता है, किशोरावस्था में कुछ और होता है, युवावस्था में कुछ और होता है, बुढ़ापे में हमारे बालों में सफ़ेदी दिखती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, दांत भी नहीं रहते, सब कुछ बदल गया होता है। और एक दिन पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है। हम अपनी चेतना को नहीं देख पाए होते हैं तो फिर हमें किसी योनि में जाना पड़ता है। किंतु यदि हमने अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर परम सत्य को जान लिया होता है कि सत्य कुछ और है, ये जगत जो में जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये तो स्वप्नवत है। स्वप्नवत का तात्पर्य दिख रहा है लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है, ये परिवर्तनशील है। जैसे स्वप्न के दृश्य बदलते रहते हैं, वैसे ही जगत के का रूप बदलता रहता है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को स्वप्नवत कहा गया है। परमात्मा अखंड है इसलिए उसको सत्य कहते हैं, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जगत का बाह्य रूप परिवर्तनशील है इसलिए इसको स्वप्नवत कहते हैं, इसको सत्य नहीं कहते हैं। व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। महामती जी की आत्मा के द्वारा धाम धनी हमें खिलवत की पहचान कर रहे हैं। खिलवत क्या? जहाँ केवल हम हों
और हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत हो। मेरी आत्मा और मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत के सिवा किसी और का अस्तित्व न हो, उसको कहते हैं खिलवत। परमधाम, पूरा परमधाम ही खिलवत है, क्योंकि परमधाम के कणकण में राज्य की लीला है, हमारी लीला है। किंतु यदि हम शरीर से परे हो जाएं, अपनी आत्मा के धाम हृदय में हम समाधिस्थ हो जाएं, अपने मन से संसार को देखना बंद कर दें, मन को समर्पित कर देंगे राज्य के प्रेम में, तो हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही सारा परम धाम दिखने लगेगा। युगल स्वरूप भी दिखने लगेंगे, 25 पक्ष भी दिखने लगेंगे, हमें अपनी परात्म का स्वरूप भी दिखने लगेगा। किंतु यदि हमने अपनी अंतर्दृष्टि को नहीं खोला, बाह्य जगत में भ्रमण करते रहे, तो क्या है, इन आंखों से तो संसार दिखेगा। इन आंखों को बंद कर लीजिए और आत्मा की आंखों को खोलिए। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल। रू के नैनों से देखिए और रू की जीवा से बातें कीजिए। रू कानों बातें सुने, यही पटरो अर्श का खोल। रू के कानों से, आत्मा के कानों से हम राज्य की बातों को सुने और ये तब होगा, यही पट रूह अर्श का खोल। हमारे और धनी के बीच में जो माया का पर्दा है, जब ये हट जाएगा तो ये सब कुछ हमें आत्मा के धाम हृदय में दिखाई देने लगेगा कि हमारी परात्म मूल मिलाव में कैसे बैठी है। और इसी को कहते हैं जागनी। परमधाम की ब्रह्मात्माएं आई हैं, उनको जगाने के लिए परमधाम की ब्रह्माणी आई है। किंतु मनुष्यों ने जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से आत्म जागृति का प्रयास किया है, किंतु उनको सफलता इसलिए नहीं मिली कि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश उनके पास नहीं था। समाधि अवस्था में उन्होंने जीव के स्वरूप को देखा, जो नारायण की अवस्था है उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन नारायण तो निराकार से परे नहीं जान पा रहे हैं। कोई अक्षर की पंचवासनाएं थी, शिव जी, सनकादिक, कबीर जी, विष्णु भगवान, इन लोगों ने निराकार के मंडल को भी पार किया, नारायण से परे जाकर बेहद मंडल में अखंड सुख को पाया। किंतु परमधाम की ब्रह्मात्मा का लक्ष्य तो बेहद से भी परे परमधाम है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, वाणी के चिंतन में डूबना पड़ेगा। क्योंकि चौपाई आगे कह रही है, जब इल्म मेरे बेशक हुई तब दौड़ सी इश्क ले। मेरे तारतम्य ज्ञान से बेशक हो जाना, बेशक होने का तात्पर्य है हमारे अंदर संशय नहीं रह जाना, या पता चल जाए कि यह वाणी अक्षरातीत की कही हुई है। अक्षरातीत के कहे हुए शब्द अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। ये वचन जो जागृत सुपन रहे ना आगु जाग, तारतम्य वाणी के शब्द यदि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हमको पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तो ये स्वप्नमयी संसार हमारे लिए सारहीन लगेगा। संसार हमें अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें धनी के चरणों पर अटूट निष्ठा नहीं है। जिसके राज्य के चरणों का प्रेम मिल जाएगा उसको संसार में कोई सार नहीं दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई घर द्वार छोड़कर विरक्त बन जाए, किंतु इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि हर सुंदर साथ को संसार में रहते हुए अपने प्राणेश्वर को, अपने आराध्य को रिझाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे चितवनी में डूबना ही पड़ेगा। यदि हमारा हृदय पवित्र है तो तारतम्य ज्ञान की रसधारा हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमारी बुद्धि को संशय रहित कर देती है। जब इल्म मेरे बेशक हुई तब दौड़ से इसके लिए, जब तक संशय है तब तक प्रेम नहीं आएगा। इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यत। संशय ग्रस्त व्यक्ति कभी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। एक सच्ची घटना है कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना अटक नदी के मुहाने पर खड़ी थी। अटक में बाढ़ आई हुई थी, उस युग में कोई पुल भी नहीं था, नौका भी नहीं थी,
पठानों के साथ युद्ध होना था, कैसे जाएं। लेकिन जिसके हृदय में दृढ़ संकल्प है वो तो कुछ भी कर लेता है। दृढ़ संकल्प से आल्पस को ही पार कर लिया नेपोलियन ने, आज तक किसी ने पार करने का साहस नहीं किया था। रणजीत सिंह कहते हैं कि जाके मन में अटक है सोई अटक रहा, जाके मन में अटक नहीं ताको अटक कहा। कहते हुए अपना घोड़ा कुदा दिया, देखते देखते पूरी सेना पार उतर जाती है। दृढ़ संकल्प असंभव को भी संभव बना देता है। हम भी यदि दृढ़ संकल्प करें, लेकिन दृढ़ संकल्प आंख मूंद कर नहीं किया जाता, विवेक को बेच करके नहीं किया जाता। हम ऐसा संकल्प कर लें कि मैं सारी दुनिया को मार करके अकेले धन ले लूं और मारना शुरू कर दूं, तो क्या ये सफलता मिलेगी? नहीं। महान लक्ष्य के लिए, महान कार्य के लिए हम दृढ़ संकल्प करें तो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है और उस महान लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं चंद्रगुप्त को अखंड भारत के सिंहासन पर बैठाऊंगा, और किया। बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम ये खोज करेंगे, सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि जो दृढ़ संकल्प कर लेता है अपने मन को उसमें लगा देता है। मन का व्यापार जैसे ही समाप्त होता है आत्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हम यदि संशयग्रस्त रहेंगे कि पता नहीं हमारे अंदर परम धाम की आत्मा है या नहीं, राज्य मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो हमें राज्य कैसे मिलेंगे? आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे राज्य को अवश्य पाना है। संशयग्रस्त मत होइए। यदि राज्य है, परम धाम है, तो हमें राज्य मिलेंगे। हमें अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम पूर्ण निष्ठा के साथ राज्य के चरणों में समर्पित करना होगा। राज्य क्यों नहीं मिलेंगे? जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं काल। दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है, और दृढ़ संकल्प करने वाला अपना तन, अपना मन सब कुछ समर्पित कर दे, फिर देखिए सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती। इसलिए जब इल्म मेरे बेशक हुई तब दौड़ सी इश्क ले। जो हृदय संशय से रहित हो जाता है उसके हृदय में अपने आराध्य के लिए प्रेम पैदा होता है, और वही प्रेम धनी से मिलन कराता है। लाओ प्यार करो दीदार, यही कहा है। सुंदर साथ भले ही 40 लाख की संख्या में हो वर्तमान समय में, वाणी भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में दृढ़ता ही नहीं है। उनको दृढ़ विश्वास भी नहीं है कि राज्य हमको मिल सकते हैं, इसलिए उनको राज्य मिलते भी नहीं है। आप चितवनी करते हैं, आपका मन भागता है, आप निराश होकर के बैठ जाते हैं कि मन तो भागता रहता है, राज्य कैसे मिलेंगे, हमसे तो मिलेंगे ही नहीं, तो क्यों मिलेंगे आपको? जबकि आपके मन में विश्वास ही नहीं है तो मिलेंगे भी नहीं। आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि जो मेरा प्रीतम है मेरे से एक पल भी कभी दूर होगा ही नहीं। जब वाणी कह रही है कि हक नजीक सहरक से आड़ो पटना द्वार, वो प्राण की नली से भी निकट है। ठीक है, हमारे मन के कारण, मन के विकारों में फंसे होने के कारण अभी दर्शन नहीं दे रहा है, वो हमसे बातें नहीं कर रहा है, किंतु यदि हमारी आत्मा के हृदय में वो रहता है, प्राण की नली से भी निकट है, तो वो अवश्य मुझे मिलेगा। हो सकता है मेरे अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है, तो क्या मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा की तरह अपनी रहनी तो मैंने बना लिया है, परमधाम की ब्रह्मात्मा की तरह मेरे जीव का अटूट ईमान है, वैसे ही अटूट प्रेम है, अटूट समर्पण है, तो फिर राज्य से मिलन क्यों नहीं होगा? राज्य तो सबके हैं। इसलिए इसमें यह सोचने का समय नहीं है कि हमारे अंदर ब्रह्मात्मा है कि नहीं है। नहीं है तो भी भाव लीजिए कि मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ, मेरे अंदर अटूट प्रेम है, अटूट समर्पण है, अटूट श्रद्धा है, और उसको पाने के लिए मुझे पूर्ण पुरुषार्थ करना है। इस विषयों में भटकते हुए मन को मुझे रोकना है, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में डुबाना है। और देखिए ऐसी अवस्था में अक्षरातीत यदि दर्शन नहीं देंगे तो उनका तो बनाया हुआ सारा विधान ही समाप्त हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं कि मैं रह न सकूँ रूहों बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हुए वाको तब सहन बिछुआ किन, अक्षरातीत की वाणी छुट्टी हो जाएगी। कैसे वो कह सकते हैं कि हक नजीक सहरक से आड़ो पटना द्वार, जो प्राण की नली से भी निकट है वो क्यों नहीं दर्शन देगा?
दर्शन इसलिए नहीं होता है कि हमारे विश्वास में कमी है और हम इस मन को प्रपंचों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं वही बात बुद्ध की पहले चर्चा मैंने छेड़ी थी। बुद्ध ध्यान में बैठते हैं, मन उनका विचलित होता है, उसको रोकते हैं, जीतते हैं। इसी को मार से युद्ध करना कहा गया है। मन रूपी मार तरह तरह के आकर्षण लेकर, भय के दृश्य लेकर के सामने आता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार उभरते हैं। बुद्ध का दृढ़ संकल्प उन्हें विजयी बनाता है। बिजली चमकती है, घनघोर वर्षा होती है, बुद्ध का आसन डिगता नहीं, क्योंकि एक दृढ़ संकल्प कर लिया है। यह आसने सुस्यत्वा शरीरम तक स्थिमांसम विलयम प्रयात। मेरा शरीर सूख जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक बुद्धत्व को मैं प्राप्त नहीं करूंगा, अब उठूंगा नहीं, क्योंकि 6 साल बीत चुके हैं कठोर साधना करते करते। अब उनका आत्मबल दृढ़ संकल्प के रूप में फूटता है कि नहीं, अब जब तक सफलता प्राप्त नहीं करूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प कौन करता है? मेरे कहने का ऐसा यह नहीं है कि आप भी दरवाजा बंद कर लीजिए कि जब तक राजी दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन ही नहीं करूंगा, क्योंकि बुद्ध ने उस अवस्था से पहुंचने से पहले, दृढ़ संकल्प करने से पहले अपने को निर्विकार किया था, अपनी वासनाओं को जीता था, अपने मन को उसमें लगाया था। आप विषयों में भटक रहे हैं और हट करके बैठ जाएं कि राजी दर्शन देके तभी मैं भोजन करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी कसौटी पर पहले खरा सिद्ध करना होगा, अपने मन को लगाइए। जब आपका हृदय स्फटिक मणि की तरह राज्य के प्रेम में डूब जाएगा, तो आपका हृदय ही दृढ़ संकल्प करेगा कि नहीं, राज्य अब तो आपको आना ही पड़ेगा। और जो सच्चे हृदय से चितवनी करते हैं, 1 घंटे भी सच्चे हृदय से कीजिए, अपने मन को राज्य के चरणों में सौंप दीजिए, तो मुझे विश्वास है प्रतिदिन आपके लिए 1 मिनट के लिए भी आए, लेकिन राज्य की झलक आपकी अंतर्दृष्टि के सामने आएगी। लेकिन ऐसा किसी को विश्वास नहीं होता। नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन, जो ब्रह्मसृष्टि राज्य के बारे में तारतम वाणी से समझती है कि मेरा प्रीतम अक्षरातीत मुझे माया का खेल दिखाने के लिए आया है, उसका आवेश स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, मार्फत के दृश्य हर ब्रह्मात्मा के हृदय में विराजमान है, और नूरी स्वरूप मूल मिलाव में बैठा कर हमारे मूल तनों को अपने सामने रखकर खेल को दिखा रहा है। तो नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन, सुनते मिलावा रूहों का याद आवे असल तन। जब ब्रह्मसृष्टि को ये बात पता चलती है कि मेरा मूल घर कहाँ है, जहाँ मूल मिलाव में हम अपने प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, हमारे मूल तन राज्य के सम्मुख हैं और वहाँ बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं, तो क्या होता है? मूल घर की याद आती है, मूल तन की याद आती है, और ये प्रकाश मिलता है वाणी से। इसलिए आवश्यक है कि हम ब्रह्मवाणी के चिंतन में डूबें। एक बात आती है कि राज्य को पाने के लिए तो प्रेम चाहिए, और प्रेम हमें आता नहीं। इस प्रेम को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, नाचते गाते हैं, ढोल के पीटते हैं, वाणी के प्रयाण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं कि राज्य का प्रेम आ जाए। लेकिन प्रेम आने का साधन क्या है? देखिए, प्रेम के लिए चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ से आएगी? ज्ञान से। श्रद्धा और विश्वास, विश्वास को हम वाणी की भाषा में ईमान कहते हैं, और श्रद्धा का परिपक्व रूप होता है, श्रद्धा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन श्रद्धा कब आएगी? जब हमें तारतम वाणी का प्रकाश होगा। इसलिए सुंदर साथ को राज्य के चरण पाने के लिए आवश्यक है कि तारतम वाणी के चिंतन में डूबे, शाब्दिक चिंतन में नहीं, जो विवाद को जन्म देता है।
आजकल देखा जाए तो सारे विद्वानों को इकट्ठा कर दिया जाए तो आपस में ही विवाद खड़ा करने लगते हैं कि मैंने जो अर्थ किया है वही सही है, आपका अर्थ बिल्कुल गलत है, मेरे से अच्छा वाणी को जानने वाला कोई नहीं है। ये विवाद है। जो वास्तव में विद्वान होगा वो विवाद नहीं करता है, वो सत्य को ग्रहण करता है और सत्य को प्राप्त कराने का प्रयास करता है। ज्ञान तो एक सागर है, उस सागर में हम जितनी बूंदें ले लें हमें अपने को धन्य धन्य समझना चाहिए, किंतु यह समझना है कि किसी को कुछ नहीं मिला है केवल मेरे पास ही है, कहीं ना कहीं हमें भटका रहा होता है। हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको समझना चाहिए कि राज्य का दिया हुआ ज्ञान है और इसको पाकर हमें अपने अंदर किसी तरह के अहंकार की ग्रंथि नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चा विद्वान होता है वो कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार करता ही नहीं है। विद्वान तो उस वृक्ष के समान होता है जो फलों से लदने पर जिसकी डालियां झुक जाती है, समझना चाहिए कि वही वास्तव में विद्वान है। सक मिट्टी जिनू हक की और मिट्टी हादी की सक, जिनके हृदय में सक संशय रह नहीं जाता कि राज्य के बारे में राज्य है या नहीं है, ये मन में द्वंद्व चलता रहता है। जब हमें माया के द्वंद्वों से जूझना पड़ता है तो ऐसा भी विचार आता है कि पता नहीं राज्य है कि नहीं है, यदि राज्य होते तो हमें इतने कष्ट नहीं झेलने पड़ते, क्या राज्य देख नहीं रहे हैं कि संसार में कितना अन्याय हो रहा है। जब कोरोना काल में हमें बहुत संकटों से गुजरना पड़ता है, कभी पैसे की तंगी होती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं राज्य है ही नहीं, क्या हमारे कष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं राज्य को। आप ये सोचिए कि जिसको सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं वह सुख और दुख की परिधि से रहित है, वह आनंद स्वरूप है। सुख और दुख मन का भ्रम है। आज आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो बहुत खुश हैं, पैसे छीन गए तो आप दुखी हो रहे हैं, ये सुख और दुख का द्वंद्व है। ये धन रहने पर खुश होना और धन चले जाने पर दुखी होना ये मन का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो आनंद में विचरण करने वाली है। बुद्ध जब वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त होता है तो ऐसी अवस्था बन जाती है कि उनके लिए संपूर्ण संसार का वैभव मिट्टी के समान है। संसार का वैभव उन्हें आकर्षण में नहीं ले सकता क्योंकि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं। हमें जिस दिन तारतम ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाएगा, आत्मसात होने का तात्पर्य उस केवल पढ़ना नहीं, पाठ परायण तो बहुत सुंदर साथ हैं, ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो 108 पाठ कर चुके हैं, लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में भी फैला नहीं है, उन्होंने केवल पढ़ा है, आत्मसात नहीं किया। आत्मसात करने का तात्पर्य क्या है? जो ज्ञान की बातों को हमने आचरण में उतार लिया है, हृदय ने ग्रहण कर लिया है। सामान्यतः किसी बात को पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए तो दुर्योधन भी पढ़ा था कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को आचरण में नहीं ला सका। वो जानता था कि धर्म का पालन श्रेयस्कर है, लेकिन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि धर्म किसको कहते हैं लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगता, और ये भी जानता हूँ कि अधर्म किसको कहते हैं लेकिन मैं अधर्म को छोड़ नहीं पाता। पढ़ता वो भी था, वो भी स्नातक था, किंतु आचरण से भ्रष्ट था। रावण भी तो बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का विद्वान था, लेकिन ऋषि नहीं बन पाया क्योंकि उसने वेद की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। उसी तरह से यदि हम केवल वाणी का केवल पारायण भी कर लें, जल्दी जल्दी एक घंटे में 1200 चौपाइयाँ पढ़ने के चक्कर में वाणी के शब्दों को आत्मसात न करें तो क्या होगा? हमारे संशय बने रहेंगे। किंतु जिन्होंने अक्षरातीत के एक कथन को आत्मसात कर लिया, सक मिटी जिनू हक की और मिटी हादी की सक, जिन्हें श्यामा जी के स्वरूप के संबंध में कोई संशय नहीं रहा, राज्य के स्वरूप के संबंध में जिन्हें कोई संशय नहीं रहा, बेशक हुईया आप वतन ताए क्यों न आवे इश्क, उन्हें प्रेम क्यों नहीं होगा, जिन्हें राज्य के परम धाम के बारे में संशय नहीं रह गया, न तो
राज्य के बारे में संशय रहा, न श्यामा जी के संबंध में, न परम धाम के संबंध में, उन्हें प्रेम अवश्य आएगा। जिनका हृदय पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरा मूल घर परम धाम है, हद बेहद से पार है, और उस परम धाम में मूल मिलावे में युगल स्वरूप विराजमान है, मेरी परात्म भी वही है, और जब मैं चितवनी में मेरी आत्मा संसार को छोड़ती है तो उसे अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम के दर्शन होते हैं। इस अटूट आस्था पर जिसको इस धारणा पर जिसको अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है, उसके अंदर प्रेम अवश्य आएगा। प्रेम का पुष्प कहाँ खिलता है? समर्पण के वृक्ष पर ही। अटूट विश्वास, अटूट समर्पण के वृक्ष पर ही प्रेम का पुष्प खिलेगा। यदि हमारा विश्वास टकमगाता रहता है, हमारे समर्पण में कमी है, तो कभी भी हमारे हृदय में प्रेम का रस उभर नहीं सकता, और प्रेम आए बिना राज्य का दीदार नहीं हो सकता। बिना राज्य के स्वरूप की झलक मिले हमें खिलवत का वास्तविक रस मिलेगा कहाँ? जब हमने अपने प्राणेश्वर को अपनी अंतःचक्षुओं से देखा ही नहीं तो प्रेम, तो खिलवत का आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? यदि हमें खिलवत का आनंद लेना है तो जगत को स्वप्नवत समझकर हम अपनी सुरता को परम धाम की तरफ ले चलें। जब उसकी शोभा में डूब जाएंगे, राज्य के प्रेम में डूब जाएंगे, तो हमें यहीं बैठे बैठे खिलवत का पूरा रस मिलेगा। ए होए न बिना निस्बतिये, इत ही हुई वहदत, निस्बत वहदत एके, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। भले ही हम स्वप्न में ही जगत में क्यों ना रह रहे हों, किंतु हम चितवनी के द्वारा निस्बत का सुख यहीं बैठे बैठे ले सकते हैं। अपनी परात्म को देखना है, निस्बत का सुख लेना है। वहदत का सुख यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। सभी ब्रह्मात्माओं का समान रूप है, समान आनंद है, समान प्रेम है, और खिलवत का सुख, खिलवत वहदत निस्बत के सुखों को लेना है तो आपको चितवनी में स्वयं को डुबोना पड़ेगा, क्योंकि चितवनी में ही आप बाह्य जगत से परे होंगे, शरीर से परे होंगे, संसार से परे होंगे, पिंड प्रमाण से जब परे होंगे तभी तो हमें परम धाम की अनुभूति होगी। और हमें दृष्टि को केवल पिंड प्रमाण से परे करना है, हमारी आत्मा की दृष्टि परम धाम जाएगी, हमारी आत्मा नहीं, और आत्मा के हृदय में ही जब प्रीतम का साक्षात्कार होगा तो ऐसा लगेगा कि हमारी परात्म का तन, हमारी आत्मा का तन और राज्य सभी एक स्वरूप है, और यही चितवनी का आनंद है। दुर्भाग्यवश चितवनी की विधा छिपी पड़ी रही है एक लंबे अंतराल से। राज्य कृपा करें, अब सुंदर साथ में निष्ठा जग रही है चितवनी के प्रति, ये एक शुभ संकेत है जागने का। जैसे जैसे युगल स्वरूप के चरणों से प्रेम बढ़ेगा, सुंदर साथ नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा में डूबते जाएंगे, तब तक उनको लगेगा कि हाँ, जीवन का सार तत्व ही तो यही है। अब तक तो हम मन के भ्रम में भटक रहे थे, तृष्णाओं के जाल में हम भटक रहे थे, हमने भी राज्य को एक संसार की देवी देवता जैसा बना रखा था, उनकी जैसी बंदगी थी हम भी वही अपना लेते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि सुंदर साथ सावचेत हो रहा है, और सावचेत होकर चितवनी में डूबना है, अपने प्राणेश्वर को रिझाना है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में उन्हें जी भर कर देखना है, जी भर कर बातें करनी है, और उनके अमृत वचनों को सुनना है, यही जीवन का सार्थत्व है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरे वचनों को अंगीकार करने का प्रयास करेंगे।